हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक सनस्क्रीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। गर्मियाँ चल रही हैं, सनस्क्रीन तो लगाना ही है, बिना सनस्क्रीन के घर के बाहर नहीं निकलना है। क्या होता है जब आप अपने स्किन पर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो सनरेज जो होती हैं आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं, और ये जो डैमेज होता है बहुत ही मुश्किल से फिर आप इसको रिपेयर कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करो, अपनी स्किन को सनरेज से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है, आपके चेहरे के दाग धब्बे टैनिंग वगैरह नहीं होती है। आप जो भी ट्रीटमेंट वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं सनस्क्रीन लगाने से, अच्छे से काम करने लगते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में जिस सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ वो है लाशील्ड का SPF 40 सनस्क्रीन। ये जो लाशील्ड का सनस्क्रीन है ये SPF 40, 60, 70, 20, 30 में भी आता है, बट इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो SPF 40 है वो सफिशियंट है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये जो सनस्क्रीन है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और नॉन कॉमेटोजेनिक है, आपके स्किन को के जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करती है, जिससे कि ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। ये ऑयल फ्री सनस्क्रीन है और नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन है, जो कि बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करती है। सनस्क्रीन SPF 40 के साथ है, PA++++ है। PA++++ का मतलब ये है कि आप इसको 3 आवर्स तक ये जो सनस्क्रीन है आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 3 घंटे के बाद फिर से आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी। एक जो सनस्क्रीन होता है मिनरल सनस्क्रीन होता है, एक सिंथेटिक सनस्क्रीन होते हैं। जो सिंथेटिक सनस्क्रीन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो UVA UVB रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर ये जो मिनरल सनस्क्रीन है ये UVA UVB रेस को आपके स्किन तक नहीं आने देता। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो कि आपके स्किन को UVA UVB जो रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो सनस्क्रीन है इसमें पैराबेन यूज़ नहीं किए गए हैं, कलर यूज़ नहीं किया गया है, अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, जो कि ज़्यादातर सनस्क्रीन में यूज़ किया जाता है। ये जो सनस्क्रीन है सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए है, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आपकी स्किन पर एक्टिव एक्ने है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करता है, और जब आप इसको लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बॉडी बटर यूज़ कर रहे हो, और काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। ये दिखने में क्रीमी लगता है बट एक्चुअल में ये जेल फॉर्म में है, और जेल फॉर्म में होने के कारण ऑयली स्किन पर एक्ने प्रोन स्किन पर काफ़ी अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगा, और आपको ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद ब्रेकआउट होने लगे, आपको एक्ने पिंपल वगैरह होने लगे या कोई भी इरिटेशन इसको लगाने के बाद आपके स्किन पे नहीं होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मैं दे दूंगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और तो बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप जब भी बाहर जाते हो कहीं, या नहीं भी जाते हो, घर पे यूज़ करना ही है, पर अगर बाहर जाते हो तो बाहर जाने के 15-20 मिनट पहले आप इस सनस्क्रीन को अच्छे से अपने पूरे फेस पे, अपने एयर को, नेक को कवर करते हुए लगा लीजिए। 3 घंटे के बाद आपको फिर से अप्लाई करना है। आप चाहें तो इस सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप वगैरह कुछ भी आप जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ये जो सनस्क्रीन है 50 ग्राम के पैक में आता है। प्राइस की बात करूँ तो 700 अराउंड इसका प्राइस है, जो कि मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, और आपको इस पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो। ऑफलाइन भी मिल जाता है, पर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको इस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट के बाद आपको ये 500 अराउंड का मिलेगा। ये जो सनस्क्रीन है वाटर रेसिस्टेंट है, आपकी स्किन पर स्वेटिंग होती है, ऑयल आ जाता है, तब भी ये आपकी स्किन पे टिका रहेगा। स्विमिंग वगैरह करते हैं उस टाइम भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको तब भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, मेडिकेटेड है, और एक्टिव एक्ने है, एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, कोई भी स्किन टाइप है आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा सनस्क्रीन चाह रहे हो जो कि आपकी स्किन को डैमेज ना करे, आपकी स्किन को सूट करे, तो बिल्कुल आप एक बार ये सनस्क्रीन भी यूज़ करके ज़रूर देखना। और बहुत सारे सनस्क्रीन का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई अच्छा सा सनस्क्रीन चाहते हो जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करे, तो बिल्कुल आप इस सनस्क्रीन को यूज़ करके ज़रूर देखना। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।